वतन की सरजमी पर ये प्यार हम लुटाएंगे, हर हाल में इसे दिल से अपनाएंगे। हम ही होंगे इस देश के पहरेदार, जो देश पर मर मिट गए उनका हर कर्ज हम चुकाएंगे। ये जश्न आज़ादी का मौका है, और मौका है अपने देश, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का। दिन है संकल्प लेने का कि हम अपने समाज और राष्ट्र को बेहतर बनाएंगे। अपनी छोटी छोटी सी कोशिश के जरिए ही सही, हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज और मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कैपिटल न्यूज पर आज आज़ादी दिवस के दिन बात उस युवा की, उस जज्बे की, जिसकी कोशिश भले ही छोटी हो मगर कामयाबी का जज्बा उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही जज्बाती युवा सतीश कुमार और उनके द्वारा शुरू किए गए जरूरतमंद बच्चों के लिए टॉपर क्लास। तस्वीरों में सैकड़ों बच्चों के बीच जिस युवा को आप देख रहे हैं, इस देश के कर्णधार का नाम है सतीश कुमार। सतीश समाज के लिए मिसाल क्यों है? सतीश बच्चों के चहेता क्यों है? सतीश समाज के लिए मिसाल क्यों है? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल, एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो गढ़ता है आपके बच्चों का बेहतर कल, संवारते हैं उनका बचपन और निखारते हैं उनके हुनर, उनकी प्रतिभा, जहां बनता है आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल। एक सौम्य और शांत वातावरण में, शहर के कोलाहल से दूर और शहर से बिल्कुल सटे सुआ जोरकट में चल रहा है बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल। यहां क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 7 तक की दी जा रही है शिक्षा। अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त क्लासरूम्स और एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज जैसे गीत, संगीत, नृत्य, खेलकूद, व्यायाम, योग, स्विमिंग और स्पोर्ट्स। इसके साथ आपके बच्चों के लिए है एसी बस की व्यवस्था, ताकि बच्चे रहें कंफर्ट एंड सेफ। और बहुत जल्द ही सभी सुविधाओं से युक्त हॉस्टल की भी व्यवस्था होगी यहाँ, क्योंकि आपके बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल। शिक्षा किसी व्यक्ति की सफलता की मूल कुंजी। शिक्षा ही है जो समाज को सभ्य बनाती है और राष्ट्र को विकास के राह पर आगे ले जाती है। लेकिन हमारे ही समाज में कई ऐसे भी बच्चे हैं जो आर्थिक अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और उनके सपने पीछे छूट जाते हैं। मूल रूप से गढ़वा के एक छोटे से गांव के रहने वाले सतीश सर ने ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मजबूरी को शिद्दत से महसूस किया और अपने दम पर खुद पढ़ते हुए उन्होंने शुरू किया है टॉपर क्लासेज कोचिंग सेंटर, जो पलामू के चैनपुर स्थित पनेरी बांध न्यू टाउनशिप एरिया में चल रहा है, जहां क्लास 5 से स्टैंडर्ड 10th यानी कि बोर्ड तक के सभी विषयों की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन टॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट की विशेष बात यह है कि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। सतीश ने यह ऐलान कर दिया है कि कोई भी बच्चा की पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बनेगा। कई आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र सतीश की इस पहल का लाभ भी ले रहे हैं। एक्चुअली मेरे नाना खुद टीचर थे, मेरे तीनों मामा टीचर हैं, मेरे जीजाजी खुद टीचर हैं, भैया प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। इससे मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं अपने गांव, अपने आसपास के बच्चों को शिक्षित करूं। पिछले मैं 8 साल से यही शिक्षा अपने स्तर से बच्चों में बांट रहा हूं। और गांव देहात के बच्चा, मेरा यही एक मानना है कि गांव देहात के बच्चा भी अब शहर के बच्चों के तुलना में पैर से पैर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, ताकि शहर के बच्चे भी अब किसी चीज़ का अभाव नहीं हो। मैंने अपनी कोचिंग संस्थानों में सारा फैसिलिटी दे रखी है, कंप्यूटर से लेकर छोटा मोटा लैब भी है। और मेरे लगता है कि ये बच्चों के लिए अच्छा है, और समय समय पर खेलकूद की व्यवस्था होती रहती है हमारे कोचिंग सेंटर में, तो ताकि बच्चों को निहार आ सके। समय समय पर एग्ज़ाम भी लिया जाता है, ताकि अपने, और पिछले 7 सालों से बच्चा, आसपास के बच्चा को यही मैं टॉप देता आया हूँ। टॉपर क्लास मेरा कोचिंग का नाम है, इसलिए यहीं से बच्चा 10-20 गांव से टॉप यहीं से करते हैं। पिछले साल भी यहीं से टॉप किए हैं। 11-12 भी पिछले साल से स्टार्ट हो चुका है, उसमें भी बच्चा का बेहतरीन से बेहतर यहाँ से रिजल्ट आ रहा है। मैं चाहूँगा और कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने ग्राम झरीवाद आसपास के नागरिकों को ये बताना चाहूँगा, यदि आपके कोई अगल बगल ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा, पैसा के अभाव के कारण शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको मेरे पास लाइए। मैंने ठाना है अपने गांव को शिक्षित बनाना है। लगातार क्लास चलता रहेगा, अगर मेरा जो भी लग गया तो मैं अपने गांव, समाज को, बच्चों
बच्चों को शिक्षित करने का कार्य जारी रहूंगा। किसी तरह का परेशानी आपको? नहीं नहीं, एक्चुअली सबको अपने अपने कामों से अलग अलग रुचि होती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को शिक्षित कर कर, बच्चों को बताने में, उनको साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। नहीं ना, कभी तो ऐसा हुआ था, एक समय ऐसा था मैं घर घर जाकर पढ़ाया करता था, घर घर जाकर पढ़ाया करता था, फिर मेरे पास बेंच तक के पैसे नहीं थे, फिर मेरे मामा लोग हो गए, मेरे नाना लोग भी सपोर्ट किए हैं ताकि बेंच वगैरह होगा, फिर उससे 10 20 50 और मेरे पास 200 300 बच्चे हैं। सतीश सर बच्चों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, कई छात्रों से हमने बात की, छात्रों ने उनके पढ़ाने का सरल तरीका और स्वभाव और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के मदद के भाव को काफ़ी सराहा और बच्चों ने भी बताया कि आगे चलकर वो भी सतीश सर की तरह बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा यहाँ का पढ़ाई है। और क्या सबसे अच्छा यहाँ क्या लगता है? यहाँ पे सर जो हैं बहुत ही समझा के पढ़ाते हैं, फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं, और जो भी बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है दोबारा से पूछते हैं तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं और बहुत अच्छे से मतलब समझा कर बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों लोग को समझ में आए वैसा पढ़ाते हैं। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा जब से मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ने में। सर के लिए यही बोलना चाहेंगे कि सर जो है, जहाँ तक हम एक बार सिर्फ कोचिंग किए हैं किसी और जगह पे, तो मुझे वहाँ से अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। और सर जो हैं वो इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा समझ में आता है, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि हम लोग को इतना अच्छा समझाते हैं, पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं हम लोग को कि हम लोग ज़्यादा मतलब सीख पाएँ। और जब एग्ज़ाम होता है तो हम लोग को सर बहुत ही, जैसे स्कूल होता है ना 6 या 7 घंटा, उतना टाइम देते हैं हम लोग को सर। पढ़ाई ठीक है, अच्छे से समझाते हैं, जो समझ में आए उसको 10 से 20 बार समझाते हैं। सर का पढ़ाई अच्छा लगता है और जो आसपास के सभी बच्चे हैं वो सब पढ़ते हैं यहाँ, मतलब जिनका परसेंटेज भी बहुत कम था वो यहाँ आके पढ़ के बहुत अच्छा परसेंटेज में मार्क्स मतलब क्लास को आगे कर रहे हैं। फ्री में भी पढ़ाते हैं जिनके पास, मतलब जो गरीब हैं जिनके पास पॉसिबल नहीं है कि हम पढ़ा सके, उनके बच्चे फ्री में यहाँ पढ़ते हैं। एक युवा ने मन में सिर्फ ठान लिया तो आज सैकड़ों बच्चे उसके ज्ञान की रोशनी से रोशन हो रहे हैं। जरा सोचिए, हर क्षेत्र में, हर समाज में ऐसे युवा सोच वाले युवकों की संख्या बढ़ जाए, हर क्षेत्र में लोग अपने हुनर का ऐसे ही सदुपयोग करने लगें तो हमारे राष्ट्र की तस्वीर कुछ और होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।